अभी मेरी गाड़ी में जो गियर है वो देखो, चौथा गियर मैं डाल रखा है, आरपीएम कम है, जानबूझकर डाला है ताकि मेरे को गियर शिफ्ट यहाँ पर बता सके। यहाँ पर देख दो, गियर शिफ्ट की यहाँ पर ग्रीन लाइट की वार्निंग आ रही है भी, आप गियर कंट्रोल कीजिए। गियर शिफ्ट एडवाइजर आपको हेल्प करेगा ताकि माइलेज आपकी अच्छी हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। यहाँ पर देखते हो अभी मैं सिग्ना कैबिन में यहाँ पर बैठा हूँ। टाटा की तरफ से सिग्ना कैबिन बहुत ही स्पेशियस है, अंदर में बहुत ही हैवी कैबिन और स्पेस बहुत ही ज़्यादा दी हुई है, आराम से यहाँ पर आप ड्राइविंग का आनंद ले सकते हैं। ये देखो, सबसे पहले तो मेन बात है ये ड्राइविंग सीट की, जो गाड़ी ड्राइव करेगा ड्राइवर उसके मैकेनिकली सस्पेंडेड सीट्स हैं। यहाँ पर आराम से यहाँ पर फीलिंग, लग्जरी फीलिंग आती है, थकावट बिल्कुल नहीं होती सीट्स में बैठकर, यकीन मानिए। और यहाँ पर देखो हेडरेस्ट भी, यहाँ पर दोनों ही सीट्स पर हेडरेस्ट होते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख दो। और इसमें मेन बात क्या है, जैसे कुछ आदमी मोटे होते हैं पतले होते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पर गाड़ी यहाँ पर सीट हैं जो तो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर सीट्स एडजस्ट कर ली, उसके बाद आ जाता है स्टीयरिंग कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग आपको यहाँ पर देख सकते हो। आराम से यहाँ पर आप अपने हिसाब से आगे कर सकते हो जितना आपको आगे चाहिए, और पीछे कर सकते हो अप एंड डाउन, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फीचर के साथ आपको स्टीयरिंग और लॉक आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हो। यहीं पर आपको साथ में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पर साथ में मिलने वाला है। प्लेस है जो उसकी पोजीशन है बिल्कुल सामने दी हुई है बिल्कुल, और थोड़ा सा यहाँ पर टेपर दिया ताकि ड्राइवर यहाँ पर जो विंडशील्ड है सामने वाली उसमें भी बिल्कुल आसानी से विजिबिलिटी रहे, और साथ में यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी आराम से यहाँ पर देख पाए। यहाँ पर देखते हो लेफ्ट से हम शुरुआत करते हैं आरपीएम मीटर, टेम्परेचर मीटर, उसके बाद यहाँ पर ओडोमीटर साथ में दिया हुआ है, ट्रिप ए और बी की जानकारी आप यहाँ से लेते हो, लाइट मीडियम और हैवी मोड आप यहाँ पर ऑप्शन में आप साथ में ले सकते हो। यहाँ पर आपको यहाँ पर टाइम की सेटिंग आप यहाँ पर करो, टाइम भी आपको यहाँ पर दिखाएगा, और प्रेशर बार्स भी आपको यहाँ पर रहेगा, प्रेशर आपका फॉरवर्ड में और रिवर्स में कितना है, और यही आपकी सेफ्टी प्ले करती है ब्रेक्स में। डीएफ की कितनी कैपेसिटी आपको अवेलेबल है वो भी आपको साथ में मिलेगा। अगर आप फ्यूल की जानकारी, आपको यहाँ पर छोटा मीटर दिया हुआ है, वहाँ से आप गाड़ी में फ्यूल कितना है वो आप गाड़ी में यहाँ पर चेक कर सकते हो। साथ में यहाँ पर किलोमीटर पर आ कि यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर डिस्प्ले लगी हुई है उसमें भी आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हो। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की बात हमने आपको बताई और सारी फंक्शंस आप अपने सामने देख सकते हो। 5 इंच बाई 5 इंच की यहाँ पर LCD स्क्रीन लगी हुई है, उसमें जो भी आप फंक्शन ऑपरेट कर रहे हो गाड़ी में वो आप सामने अपने देख सकते हो। और जो गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो देखो बहुत ही स्लीक है और बहुत ही एरोगेंट लुक से आता है बिल्कुल, और साथ में यहाँ पर जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत ही स्लीक ढंग से यहाँ पर राउंड किए हुए हैं, एरो कॉर्नर्स हैं, बिल्कुल फील जो देता है बहुत ही लग्जरी फील आपको यहाँ पर साथ में आती है। AC वेरिएंट्स आपको ये साथ में यहाँ पर गाड़ी है, यहाँ पर AC यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, उसकी आप यहाँ पर ब्लोरिंग के लिए आपको यहाँ पर देखो कम ज़्यादा AC यहाँ से कर सकते हो, और साथ में आप सामने की तरफ और अपने पाँव में हवा ले सकते हो, जैसे आपको चाहिए वैसे आप उसके वेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, 4 वेंट्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं और 5वां वेंट्स आपको ड्राइवर साइड पर यहाँ पर मिलेगा। यहीं पर आपको लाइट मीडियम और हैवी मोड यहाँ पर दिया हुआ है जो फ्यूल इकोनॉमी को और बेटर इम्प्रूव कर देता है। अगर आप खाली गाड़ी लेकर जा रहे हो तो यहाँ पर आप लाइट मोड का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप गाड़ी लोड लेकर जा रहे हो प्लेन रास्ते पर तो यहाँ पर मीडियम आप इस्तेमाल कर सकते हो, और यहीं अगर आप स्लोप पर जा रहे हो लोड लेकर तो हैवी आप यहाँ पर बटन दबा सकते हो। उसमें क्या होता है, जो आपकी गाड़ी की टॉर्क है वो ज़्यादा टॉर्क आपको यहाँ पर इस इंजन में आपको यहाँ पर मिलेगी। जो ATS फंक्शन है, आफ्टर ट्रीटमेंट फंक्शन है, उसके यहाँ पर स्विचेस दिए हुए हैं रीजनरेशन के, अगर आपने रीजनरेशन करवानी है आपकी वो जो मीटर प्लेट है वो सामने ही आपको यहाँ पर डिटेक्ट करेगी कब आपको इस स्विचेस का कंट्रोल आने वाला है। साथ में यहाँ पर ABS स्विचेस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, ऑल इंडिकेटर्स, इंजन लाइट्स, ये आपको सभी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। गियर लीवर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो आप बोनट पर गियर है, यहाँ पर 6 स्पीड आगे की तरफ और एक रिवर्स गियर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। G950 का गियर बॉक्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है, बहुत ही हैवी है। अगर क्लच की बात करें तो 380 डाई का क्लच आपको यहाँ पर रहने वाला है, और ब्रेक्स की बात करें तो ICGT टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर ब्रेक्स है, इम्प्रूव्ड करंट जनरेशन टेक्नोलॉजी है, और 40% पहले से BS4 के मुकाबले से BS6 में ज़्यादा ब्रेक्स हैं। गाड़ी में बहुत ही सेफ
ड्राइविंग आप कर सकते हो, ब्रेक्स बहुत ही हैवी दिए हुए हैं। अगर एक्सीलेशन की बात करें, यहाँ एक्सीलेशन पेडल है वो भी बहुत कंफर्टेबल बनाया हुआ है। और मेन बात क्या आती है, जैसे मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा हूँ, सभी कंट्रोल्स हैं वो मेरे हाथ में हैं। यहाँ पर देखो, कोई भी यहाँ पर मेरे शोल्डर से ऊपर नहीं जा रहा, कंट्रोल्स सामने सारे कंट्रोल्स हैं। और पाँव के जो पेडल्स हैं, ईज ऑफ पेडल बहुत ही अच्छे हैं, गियर लीवर बहुत ही आसानी से यहाँ पर डाल सकता है। और मेन बात आ जाती है, जैसे यहाँ पर सूरज सामने है हमारे, यहाँ पर देखते हो सन वाइजर आपको यहाँ पर सामने मिलने वाले हैं, और सामने की तरफ भी रहेंगे, और यहाँ पर देखते हो आपको साइड पर सन वाइजर भी यहाँ पर आपको रहने वाले हैं, और यहीं पर आप उसको इस तरह से प्लेस कर सकते हो। सामने का जो व्यू है, जो विंड स्क्रीन है, वो बहुत ही बढ़िया व्यू देती है। और जो मैंने आपको पहले बात की, ब्लाइंड स्पॉट्स गाड़ी में जो हमको नहीं देख पा रहे, आगे की तरफ हम सिर्फ 4 फीट छोड़कर ही देख पा रहे हैं, तो जो सामने मिरर है, प्रॉक्सिमिटी मिरर, वो आप यहाँ पर उसके आप ब्लाइंड स्पॉट्स भी देखते हो। यहाँ पर देखते हो जो ब्लाइंड स्पॉट कनेक्टर साइड के टायर के नीचे है, वो मिरर से आप यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट भी देख सकते हो। अगर हम साइड डोर की बात करें, तो यहाँ पर जो देखो साइड डोर इजिली ओपनेबल है, यहाँ पर देखो आराम से यहाँ पर सिस्टम दिया हुआ है, और हाथ से आप आसानी से 2 फिंगर्स के साथ यहाँ पर शीशे अप एंड डाउन कर सकते हो। और आर्म रेस्ट भी यहाँ पर साथ में दिया हुआ है, आप आराम से यहाँ पर आर्म अपनी रेस्ट कर सकते हो। ग्लोव बॉक्स, छोटा सा ग्लोव बॉक्स भी दिया हुआ है, अगर आप कोई सामान वगैरह यहाँ पर डालते हैं। लॉक करने के लिए यहाँ पर आप दे दो, लॉक का यहाँ पर भी ऑप्शन आपको यहाँ पर रहने वाला है। पेपर होल्डर, मैगजीन होल्डर यहाँ पर है, अगर आपने गिलास रखना है या बोतल स्टैंड रखना है, बोतल रखनी है, तो यहाँ पर बोतल स्टैंड भी आपको यहाँ पर साथ में रहने वाला है। गाड़ी में उतरने में आसानी रहे और चढ़ने में आसानी रहे, यहाँ पर देख सकते हो आपको हैंडल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर हैंडल्स आप यहाँ पर पकड़ इस तरह, और यहाँ पर भी हैंडल्स है, आसानी से यहाँ पर आप फुटस्टेप की मदद से आप गाड़ी में ऊपर भी चढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कोई प्रकार की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी से यहाँ पर। स्पेशियस कैबिन है, बहुत ही स्पेस है कैबिन, खुला कैबिन है। कैबिन में मेन बात आ जाती है, जो एसी की जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इस गाड़ी में यहाँ पर हीट इंसुलेशन जो मटेरियल लगा है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है, और स्पेशियसनेस बहुत है, आराम से यहाँ पर आप एसी का आनंद ले सकते हैं। और मेन बात आ जाती है, आराम से यहाँ पर देख सकते हो वॉक थ्रू कैबिन है, ईजिली आप यहाँ पर दूसरी साइड पर भी आ सकते हैं। लेग स्पेस है वो बहुत ही, कनेक्टर सीट पर तो बहुत ही ज़्यादा लेग स्पेस है, आराम से यहाँ पर आप बैठ सकते हो। यहाँ पर देखते हो यहीं पर मैं आपको गाड़ी में अगर लेटा चाहता हूँ पीछे सीट में, यहाँ पर लेट भी सकता हूँ। जो गाड़ी में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के जो फ्यूज़ हैं वो बिल्कुल यहीं पर प्लेस दिए हैं, यहाँ से नट बोल्ट सिस्टम खोलकर यहाँ पर आप सारे फ्यूज़ यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहीं पर आपको सामने की तरफ ग्लोव बॉक्स, छोटा ग्लोव बॉक्स हो यहाँ पर मिलने वाला है, और ऊपर की तरफ भी आपको सामान वगैरह रखने में, विजिटिंग कार्ड वगैरह रखने में आपको आसानी रहे, यहाँ पर भी आपको ग्लोव बॉक्स मिलता है। और इस गाड़ी में स्लीपर बर्थ है, पीछे की तरफ आप आराम से ऊपर में सो भी सकते हो, वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आराम से यहाँ पर मैं ईजिली यहाँ पर लेट सकता हूँ, ड्राइवर कंफर्टेबिलिटी भी है, साथ में रेस्ट कंफर्टेबिलिटी भी बहुत ही अच्छी है। अगर आप साइड कर व्यू देखें, तो पीछे में यहाँ पर आपको व्यू भी बहुत ही अच्छा मिलता है, अगर आप गाड़ी हाफ बॉडी में चला रहे हैं तो आपका व्यू है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, साथ में आप पीछे भी आप गाड़ी में नज़र रख सकते हैं। और मेन बात इस गाड़ी में यहाँ पर देखते हो, यहीं पर आपको बोनट दिया हुआ है, क्लिक एंड क्लिक का यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर देखते हो यहाँ से आप बोनट में, अगर आप कोई भी इंजन का आपने काम करना है, रेडिएटर का, फैन का, तो आप यहां से इजीली आप हैंडल के साथ बोनट उठा सकते हो, और यहीं से आप कैबिन के इनसाइड आप देख सकते हो। इसके ऊपर देख सकते हो इंसुलेशन लगी हुई है, ताकि एसी की जो इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस गाड़ी में आपको आए। मेन बात, इस गाड़ी में आपको जो फ्रंट लुक्स हैं वो गाड़ी के बहुत ही एरोडायनामिक्स हैं, वो आपको हम दिखाते हैं। गाड़ी में फ्रंट लुक की बात करें, तो बहुत ही रगड़ कैबिन आपको यहाँ पर साथ में सिग्ना का यहाँ पर मिलने वाला है, काउल में भी ये तो आता है, पर यहाँ पर आपको सिग्ना का यहाँ पर आप व्यू देख सकते हो। फ्रंट ग्रिल है वो बहुत ही हैवी और काफ़ी यहाँ पर वाइड है, यहाँ से आप इजीली ओपन कर सकते हो। और आगे जो एयर इंटेक है वो बहुत ही अच्छी है, रेडिएटर और इंटीकूलर को यहाँ पर आप उसको झटके के साथ यहाँ पर बंद कर सकते हो। यहाँ पर स्पेस काफ़ी अच्छी दी हुई है, टाटा की यहाँ पर सामने बैजिंग रहती है, और 3 पीस का यहाँ पर बम्पर दिया हुआ है। ये क्यों दिया हुआ है, अगर गाड़ी आपकी मान के चले बम्पर वगैरह नॉर्मली गाड़ी के टच होते रहते हैं, अगर ये गाड़ी के आपकी इस साइड बम्पर ये लग गया, तो आपका ये पीस है वो चेंज नहीं होगा, यही पीस आपका चेंज हो जाएगा, तो आपकी जो मेंटेनिंग है, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग है, वो कम हो जाएगी। और लाइट्स देखते हो आप,
बहुत ही अच्छी लाइट्स आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, साथ में यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स भी यहाँ पर प्लेस हुए हैं, और जो फ्रंट बम्पर है वो बहुत ही इस गाइबिन का बहुत ही हैवी दिया हुआ है, साथ में यहाँ पर विंड स्क्रीन को यहाँ पर जो वाइपर्स यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं वो बहुत ही वाइड व्यू आपको यहाँ पर साथ में लेकर जाएंगे, पूरी स्क्रीन आपको एक साथ साफ मिलेगी। प्रॉक्सिमिटी मिरर आगे की तरफ है, वो पूरा जो आपका ब्लाइंड स्पॉट है वो पूरा कवर करते हैं, ये आप नहीं देख सकते गाड़ी के अंदर बैठे हुए, यहाँ तक ही आपका व्यू आएगा, ये जो चीज़ आप नहीं देख सकते ये मिरर में आपको यहाँ पर भी आपको विज़न गाड़ी प्रोवाइड करती है, और नॉर्मल विज़न मिरर आपको यहाँ पर साथ में रहने वाले हैं, और वाइड एंगल मिरर भी आपको यहाँ पर देने वाले हैं, और कैबिन में बैठे बैठे आप कंफर्टनेस का और सेफ्टी पॉइंट का पूरा आनंद आप ले सकते हो। अभी हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेंगे, आपको टेस्ट ड्राइव में दिखाएंगे क्या हमको फीचर्स जो यूनिक बनाते हैं टाटा की गाड़ियों को सिग्ना कैबिन में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। रोड पर आवाज़ें आ रही हैं पर बिल्कुल भी हमको सुनाई दे रही, नॉइस प्रोटेक्शन इस गाड़ी का कम्प्लीटली कैबिन बना हुआ है। तो सबसे पहले हम देख सकते हो यहाँ पर हम गाड़ी अब स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमने गाड़ी अभी रोड पर ले रहे हैं, साइड विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी है इस गाड़ी की, आराम से यहाँ पर देख सकते हो, और कैबिन की सस्पेंशन देख सकते हो बहुत ही इजीली सस्पेंशन है कैबिन की, यहाँ पर देख दो। अभी हम गाड़ी में जब गियर्स चेंजेस करेंगे तो गियर बहुत इजीली यहाँ पर डल सकता है, गियर ईज बहुत है, और साथ में पेडलिंग ईज, हर एक जो बटन है वो सारी मेरे रीच में है, तो एर्गोनॉमिक डिज़ाइन इस गाड़ी का यहाँ पर साथ में बना हुआ है, और इंजन की साउंड आप यहाँ पर देख सकते हो कैबिन में कितनी की इंजन की साउंड यहाँ पर साथ में यहाँ पर आ रही है, टर्बोट्रॉन इंजन है 5 लीटर का, यहाँ पर देखो ड्राइविंग कंफर्ट बहुत ही अच्छा है, जैसे मेरे को अभी जो स्टेयरिंग है वो सही नहीं लग रहा तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर अभी मैंने ऊपर कर लिया, और आगे पीछे भी आप टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आप स्टेयरिंग कर सकते हो, सीट्स देख सकते हो कितनी मज़ेदार सीट्स हैं, और मैकेनिकली यहाँ पर सीट्स सस्पेंशन के साथ यहाँ पर बनी हुई हैं, यहाँ पर देख सकते हो, और ब्लाइंड स्पॉट मैं सारे ब्लाइंड स्पॉट, फ्रंट का ब्लाइंड स्पॉट, साइड का ब्लाइंड स्पॉट मैं आपको यहाँ पर इजीली यहाँ पर चेक कर सकता हूँ, और सामने जो विंड स्क्रीन है विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी है इस गाड़ी में, बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी है, यहाँ पर देखते हो। अभी एक और फंक्शन है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मेरी गाड़ी में जो गियर है वो देखते हो चौथा गियर मैं डाल रखा है, RPM कम है, जानबूझ कर डाला है ताकि मेरे को गियर शिफ्ट यहाँ पर बता सके, यहाँ पर देखते हो गियर शिफ्ट की यहाँ पर ग्रीन लाइट की वार्निंग आ रही है, भी आप गियर कंट्रोल कीजिए, गियर शिफ्ट एडवाइज़र आपको हेल्प करेगा ताकि माइलेज आपकी अच्छी हो और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी आपकी कम से कम हो पाए, ये मेरे को चीज़ बहुत ही अच्छी लगी है। अगर आपको इस गाड़ी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर बताना, और साथ में हमारे YouTube चैनल को और Facebook चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना, मिलते हैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।